सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। भारतीय सेना के आर्टिलरी विंग को खुश होना चाहिए क्योंकि इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अल्ट्रालाइट होविजर्स के दो यूनिट्स मिले हैं और हिली टेरेन के लिए सूटेड 143 और गन्स 2021 तक पहुंचेंगी। चूंकि ये गन्स इंडियन एम्युनिशन इस्तेमाल करेंगी, वह सबसे अच्छा लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगी और चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर सबसे मुश्किल इलाकों में सेना की तैयारियों को बढ़ावा देंगी। अमेरिकी होविजर्स को पहले चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ अधिक आर्टिलरी ऑर्डर्स के साथ ये सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि सेना जल्द ही बेहतर तैयार हो जाएगी। भारत को खरीद पर तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। बोफोर्स के विवाद के कारण नई आर्टिलरी गन्स खरीदी नहीं जा सकी थी। बोफोर्स रिश्वत घोटाले के कारण देश में गड़बड़ाहट फैल गई थी और इसने राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार के पतन को जन्म दिया था। सेना को बेस्ट आर्मरी ना खरीद पाने में कीमत का भुगतान करने पर मजबूर किया गया था। ये एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या हमने हथियारों की खरीद में बिचौलियों की भूमिका पर कोई फर्क डालने के लिए कुछ सीखा, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम आर्टिलरी खरीदने की कार्य प्रणाली पर इतना पागल हो गए कि हम टोटल इनर्शिया में फिसल गए। बोफोर्स टॉपर से आगे बढ़ने के लिए एक ब्रेवर और ज्यादा प्रैग्मेटिक तरीके की सोच की जरूरत है। एक ऐसा रास्ता जिसे एक पिछला रक्षा मंत्री अपनी खुद की इंटीग्रिटी को बचाने की चिंता के कारण नहीं ले सका था। बे होविजर्स के लिए अमेरिका के साथ इंटरगवर्नमेंट डील एक पाथ ब्रेकर थी। विदेशी निर्माताओं के साथ तकनीकी सहयोग में स्वदेशी हथियार उद्योग द्वारा की गई एडवांसेस को पहचानने की इच्छा ने एक समानांतर खरीद ट्रैक को भी बढ़ाया है। 4.2 टन की होविजर्स जिन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके फॉरवर्ड पोजीशंस तक लेके जाया जा सकता है। इन्हें खरीदने का प्रपोजल 10 साल पहले आया था। इतना समय काफी था उन्हें पकड़ने के लिए जो उन डिसीजंस को लेने के लिए जिम्मेदार थे जिनके कारण आर्म्ड फोर्सेस को नुकसान हुआ था। पॉलिटिकल का एसेंशियल और प्रैक्टिकल से सेपरेशन शायद सबसे कठिन हिस्सा था और ये उस इंडियन वे पर टिप्पणी है कि राजनीतिक प्राथमिकताओं को इतना विनाशकारी होना चाहिए कि वो आर्मी को गन्स डिनाई कर दे जिनकी आर्मी को डेटरेंट और इफेक्टिव डिफेंस के लिए जरूरत है। इसी सेंस में पहली होविजर्स का आना एक उम्मीद की किरण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद।